यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए खबरों की ओर करते रहो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की अहम खबर डीडवाना से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जेके सीमेंट से चोरी 1,20,00,000 जब्त। मोलासर पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट, आरोपी से कड़ी पूछताछ में पुलिस जुटी। तो मोलासर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया, पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी। तो जेके सीमेंट से चोरी 1,20,00,000 जब्त। मोलासर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया, आरोपी से कड़ी पूछताछ में पुलिस जुटी। मौलासर पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। डीडवाना से बड़ी खबर, जीके सीमेंट से चोरी 1,20,00,000 जब्त। मौलासर पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट, आरोपी से कड़ी पूछताछ में जुटी पुलिस। मौलासर पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। डीडवाना से इस वक्त की बड़ी खबर, डीडवाना से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही, जेके सीमेंट से चोरी 1,20,00,000 जब्त। मौलासर पुलिस ने आरोप, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय राजेंद्र कुमार जी, मैंने साहब को सूचना मिली थी कि इस तरह निम्बेड़ा कोतवाली में कोई अंकित मोर करके जेके सीमेंट का कर्मचारी है, वो 1,75,00,000 रुपए चोरी करके फरार हुआ है। इस सूचना पर मैं मौलासर थाने गया, मौलासर थाना अधिकारी को साथ लिया। जो कर्मचारी था अंकित मोर, उसके घर पर रेड दी, घर पर रेड दी और उसके मामा के यहाँ पहुँचे, तो हमें उसका मामा दौलत राज के यहाँ एक कट्टे में 1,20,00,000 रुपए मिले, जिन्हें 106 BNS के तहत हमने जब्त किया और निम्बेड़ा कोतवाली को सूचना दी। और ये पैसा जो है जेके सीमेंट से। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल माथुर फोन लाइन पर हमारे साथ। राहुल, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय में? ये आपको बता दें कि आज मोलासर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, SP साहब के निर्देशन में मोलासर पुलिस को मिली सूचना के अनुसार निम्बाड़ा में एक मोलासर का एक युवक है जो निम्बाड़ा जेके सीमेंट फैक्ट्री में कर्मचारी है, उसके द्वारा 2-3 दिन पहले 1,75,00,000 रुपए की रकम का गबन कर लिया गया और वो मौके से फरार हो गया। जिस बात की जानकारी जब कर्मचारियों को ऑफिस में जब मिली तो उन्होंने उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें आपको बता दें कि 50,00,000 के आसपास की रकम का हेरफेरी का आरोप लगवाया, साढ़े बारह लाख की रकम का आरोप लगाया, जिस पर निम्बाड़ा पुलिस मोलासर थाने पहुंची और उसकी जानकारी जुटाने में लगी। तो उसकी लोकेशन कुचामन उसके मामा के घर की आई। उसी दरमियान डीडवाना के आला अधिकारी धर्म पुनिया जी सहित मौके पर पहुंचे, उसके मामा के घर की तलाशी ली, तो वहां जाते ही मामा ने ये कहा कि 2 दिन पहले अंकित घर पे आया था और एक बड़ा बैग जो है, कट्टा है, वो यहाँ रख के गया है और वो चला गया। जब उस कट्टे की तलाशी ली गई तो उसमें इतनी बड़ी रकम मिली, वो 1,20,00,000 के आसपास थी, जिसकी आज मोलासर थाने में काउंटिंग करवाई गई और इस बात की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दी गई, क्योंकि मामला पहले जो था वो कम कदर था, लेकिन जब कार्मिक जेके सीमेंट के कार्मिक जब वहाँ मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऑडिट के दौरान 1,75,00,000 का मामला सामने आया है। जी चलिए, आपको बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।